हम बात करेंगे कि आज के युग में किसी को भी हार्ट अटैक आना इतना सामान्य क्यों है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसे तुरंत इसका उपचार करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। हालांकि हार्ट अटैक आने से पहले हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत, बेचैनी, बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आना और अचानक से चक्कर आना जैसे लक्षण शामिल हैं। लेकिन कभी कभार बिना लक्षण के ही अचानक हार्ट अटैक आने के मामले भी सामने आ चुके हैं। हार्ट अटैक एक ऐसी स्थिति में आता है जब ब्लड की आपूर्ति करने वाली आर्टरी पूरी तरह से ब्लड सप्लाई बंद कर देती है। आमतौर पर 65 उम्र से ज़्यादा वाले व्यक्तियों को हार्ट अटैक के केसेस आते हैं, लेकिन आजकल किसी भी व्यक्ति में हार्ट अटैक आना सामान्य हो गया है। इसका मुख्य कारण है खराब जीवन शैली के साथ साथ खराब खाना, धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना, ज्यादा शारीरिक कसरत करना और मोटापा जैसे मुख्य कारण शामिल है। चलिए अब हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक से कैसे बचें। जैसे कि हेल्थी डाइट ले, जिसमें नमक और शुगर की मात्रा कम हो। व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है। धूम्रपान को छोड़े और ज्यादा तनाव ना ले और अपने वजन पर भी ध्यान दे। अगर आपको पहले से ही हृदय रोग है तो आपकी जीवन शैली में भी सुधार करें और स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए डॉक्टर से भी बात करें। आपातकालीन दवाएं ले, जैसे एस्पिरिन, जो ब्लड के थक्के को कम करने में काम करती है, जिससे कि रक्त प्रवाह सही काम करता है। अपने भोजन में स्वस्थ पदार्थों को शामिल करना बेहद जरूरी है और साथ ही ऐसे पदार्थों को डाइट से हटाने की कोशिश करना जो हमारे हार्ट के लिए हानिकारक है। मेडिटेशन और ब्रीथिंग की तकनीक से भी हम हमारे तनाव को कम कर सकते हैं। आगे की और हेल्थ टिप्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।